नहीं है। और कि आप लोग कल के पेपर में अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सको, क्या प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? सेट ए आई एम गोइंग टू डिस्कस साइमल्टेनियसली, मैं कर रही हूँ साथ साथ ही। मुझे क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। बायो का सेल थ्योरी, सॉरी सेल नहीं, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज टर्म्ड बाय सेट ए। बच्चों ठीक है, दूसरे सेट में था, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्क्लीडन एंड शेवॉन। ठीक है जी, टू क्वेश्चन नंबर टू, सेट बी, बी ऑप्शन। ठीक है, आज जो फिफ्थ वाला मैं आपको बोल रही हूँ, वी विल डिस्कस, अदरवाइज जो करेक्ट करा गया है वो डी ऑप्शन को करा गया है कि ई वाला जो है वो फॉल्स है आपके पेपर्स में, बट लेट्स सी, आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, लीव दिस क्वेश्चन इन बोथ द सेट्स, इन बोथ द सेट सेम क्वेश्चन वाज देयर। ठीक है, दोनों में सेम था। सेट ए का है अगला क्वेश्चन, eighth question, which of these is not related to endoplasmic reticulum? Yes, set A, question number 8, which of these is not related to endoplasmic reticulum? कौन सी चीज इसमें endoplasmic reticulum के साथ नहीं relate कर रही? It behaves as a transport channel, करता है? It transport material between various regions in the cytoplasm. It plays no role in membrane biogenesis. That is not related. ठीक है? Fourth one, it can be the site of some biochemical activity. True है. तो इसमें आपकी ऑप्शन क्या सेट ए में? सी। सेट बी का क्वेश्चन था प्लाज्मोलिसिस, ये आता होगा सबको। प्लाज्मोलिसिस इन द प्लांट सेल इज डिफाइंड एज ऑप्शन बी, shrinkage of cytoplasm in hypertonic solution, B option. Okay है? B, B, B. Then आ जाइए 11th question. Set A, 11th question. Adipose tissue, dense connective tissue, areolar tissue, cartilage. ठीक है, adipose tissue कहाँ होता है? Adipose, fatty, fats, under skin. डेंस कनेक्टिव टिश्यू या कार्टिलेज, ईयर पिनाइट जॉइंट, यानी कि डी ऑप्शन। ए का आर टिक कर लेना चाहिए, ए आर है, बी कनेक्टिव टिश्यू जो है दैट इज एस जॉइंट्स में, सी एरियोलर टिश्यू अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड कार्टिलेज ईयर पिन्ना एंड दिस वन। यहीं से एक आइडिया लग गया था दो ऑप्शन से। देन सेट बी में 11th क्वेश्चन है, इसकी भी बी ऑप्शन है आंसर, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल, एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट्स। तो इसका भी डी ऑप्शन है, स्ट्राइटेड मसल्स बोन्स में, स्मूथ मसल्स आयरिस एंड यूट्रस में, एडिपोज टिश्यू बोन मैरो, लिगामेंट्स अराउंड जॉइंट्स। डी ऑप्शन है इसकी, डॉग। ठीक है, देन आ जाइए 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? ऑल ऑफ अबव, ये सबको पता थे सारी ऑप्शन, ऑल ऑफ अबव है ना। एक मिनट, कौन सा बैठा है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, इट डस, अच्छा वो नॉट नॉट लिखा, सॉरी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, क्योंकि बाकियों में नॉट नॉट लिखा है। ठीक है, इट फिल्स द स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन, ये तो हमने पॉइंट करा था एरियोलर का, बाकी सारे गलत है। ठीक है जी, दूसरी तरफ 14th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, ये ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये भी ठीक है, कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम प्रोटीन एंड शुगर, शुगर में, ठीक है, सी ऑप्शन। देन 20th क्वेश्चन, फॉर मेकिंग अ टेम्परेरी माउंट, आता था फॉर
making a temporary mount of onion peel cells, Seema wrote down the steps and showed it to her teacher. The steps that the teacher marked wrong was. कौन सी ऑप्शन करिए सेट ए में? Remove the peel from the roots of onion and place in water. ठीक है? Set B का था 20th question. The precaution which is incorrect in an experiment. सी, क्योंकि वहां पे कवर स्लिप के साथ उठाने को कहा, वो हम नहीं करते. ठीक है, ये कंफ्यूजिंग था. वहां पे सब एक ही बार डिफरेंट था, कवर स्लिप. बट प्रूव्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी ऑप्शन. आ जाओ उसके बाद 23rd क्वेश्चन. आइडेंटिफाई, ये तो आता होगा सबको, ये वाला था. ये तो नहीं आता था, ये वाला था. ये तो मैं एक अलग ही बना रही हूँ. ये पूछा था, एक तो ये पूछा था, एक्स बाई पूछा था, ये बाई ये था, जेड ये था. एक्स क्या है, कौन सी ऑप्शन है इसकी? लेकुना. हाँ, एक्स इज लेकुना स्पेस, बाई इज ये था, इसकी ऑप्शन सी थी. सेट ए में सी ऑप्शन. सेट बी ये वाला था. मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ, ठीक है. ऐसे बना रही हूँ जस्ट शो करने के लिए. इसमें था आपके पास एक्स, ये एक्स है, वाई था अंदर वाली चीज, और जेड है ये. एक्स क्या है? बेसल ग्रेन्यूल, वाई म्यूकस, सी और जेड पॉपलेट्स है. ऑप्शन है, एक मिनट देखते हैं दो कौन से, बी ऑप्शन. ठीक है, देन आ जाओ 25th. Which of the following characteristic feature of parenchyma tissue? Cells are loosely packed, have thickening at corners. ये तो गलत है ना, second वाली. Characteristic, अच्छा. In aquatic plants, their large cavities does not contain air. D option. 1 and 4 are correct. Second गलत है और third गलत है. ठीक है, सो दो सारे. 25th दूसरे सेट में था. सोनिया ऑब्जर्व्ड पेरेंकाइमा टिश्यू एंड नोटेड डाउन ऑब्जर्वेशन. द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ, ए ऑप्शन. ए ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड. इसके ऑप्शन देखना, ये चेक करना पड़ेगा. देन आइए 30th क्वेश्चन. रुक जाओ, 30th. Differentiate the following activity on the basis of voluntary involuntary muscles. Jumping of frog, voluntary. तो voluntary A और C है, में अब देख लो. Contraction of blood vessels, ठीक है, involuntary. तो ये भी दोनों सही थी. Writing with hand, यानी कि C option. ठीक है, हाँ जी. दूसरे सेट में था ट्रू और फॉल्स. एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी, ट्रू. तीन और दो ऑप्शन है, ए और बी में सब चेक करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज परमीएबल, ट्रू. ये भी दोनों में है. एपिथेलियल सेल्स हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सिमेंटिक मटेरियल बिटवीन देम,
ये ट्रू है, यानी कि ए ऑप्शन सही है हमारे पास। देन 35th क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल पोजेस अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उत्तर, यूकैरियोटिक सेल हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अ न्यूक्लियोइड इज सेंट्रलाइज्ड इन प्रोकैरियोटिक ऑलवेज। तो कौन सी ऑप्शन है? Assertion and reason are correct, लेकिन mostly correct explanation नहीं है। B, set B, B ball. 35th question, set B में SCR is specialized to synthesis protein. ठीक है, SCR करती क्या आ रही है? यानी कि assertion is false, reason is true. Then आइए 41 case study में पढ़ने नहीं, लेकिन मैं answers बता देती हूँ। पहले set B की ही discuss कर लेते हैं case study। On the basis of position in the plant body वाली कर रही हूँ। Why is intercalary meristem present only on stem? Third option, leaf bearing nodes occur only in the stem. 42nd, where is lateral meristem present? On lateral side of roots and stem. B option. What component of plant body are formed by the lateral meristems? C option is go. पहले हमने भी D करा था। What type of cells are present in meristem? इसके C और D दोनों करेक्ट करें हैं। Those who have written C, those who have written D, दोनों करेक्ट करें। ठीक है? Then 45, which of the following meristem helps to increase girth? Lateral, B option. ठीक है? Set A के बोलना। What are the two types of cord-like structure of the dense connective tissue? Option tendons and ligaments. C option. Why is one type of dense connective tissue yellow and flexible? B option, ligaments due to occurrence of elastin protein. 43rd का है, what are the two type of connectives found? C tendons found at the end of the skeletal muscle, while ligaments found in the scattered fibroblast. Differentiate the two on the basis of white fibers and fibroblast. Iski bhi C option thi na. White fibers occur in dense and parallel bundles in tendon. C option. And 45th is sprain caused. Iski do option hai. Fir 44th ki do hai. 44th ki aapke paas C aur D dono hai. हो जाता है। 45th का आपके पास है बी ऑप्शन, डिसलोकेशन ऑफ लिगामेंट्स। दो क्वेश्चंस रह गए।